अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बरियाल तबक। आज मैं आपके साथ में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एकदम ऑथेंटिक है, बहुत ही अच्छी है, चिकन बादामी चिकन की, और इतनी टेस्टी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको कैसी लगती है लाइक कीजिए आपको अच्छी लगे तो। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये इस रेसिपी में आप इसको चपाती के साथ में खाइए, और या फिर इसके लिए चावल की रोटी हो या इडियपम हो, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। राइस के साथ में भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए इतनी मज़ेदार है, मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है क्योंकि ये मेरी बहुत फेवरेट है अल्लाह से। और ये साउथ इंडियन डिश है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इतनी लजीज बनी है कि आप लोग एक बार खाएंगे ना तो फिर ये हमेशा आप खाते रहेंगे। और देखिए इसमें मैंने ज़रा भी ना पानी डाला, स्टार्टिंग में जो एक बार मैंने पतीले को धो के और थोड़ा सा पानी डाला था, उसके अलावा बिना पानी के पूरा चिकन बना है। और थोड़ा सा टाइम जाता है, तो जब अपने को बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना है तो थोड़ा वक्त तो लगाना पड़ेगा। और चलिए फिर हम लोग मिल के बनाते। अब जैसे कुछ मसाले मैंने पहले ले लिए हैं, ये कुछ चार टमाटर ले लिए और छोटे छोटे इनको बारीक एकदम कट कर लिया, और ये कड़ी पत्ता जाएगा इसके अंदर। और ये चार प्याज लिए हैं और बिल्कुल बारीक एकदम काटा है। पांच छह जो है हरी मिर्ची ले ली है, स्पाइस अपने हिसाब से लेने का तीखापन। और ये बादाम है, कुछ 15-20 बादाम है, इनको मैंने गर्म पानी में भिगा दिया था और फिर इसका छिलके निकाल दिए हैं। ये जीरा एक बड़ा चम्मच, पपेट सीड है, खसखस जिसको बोलते हैं, पोस्ता बोलते हैं वो है, और ये दही है। अब इनको मैं मसालों को थोड़ा सा पीस लूँगी ग्राइंडर में। अब ये मैं बादाम ले लूँगी, इसके अंदर डाल दूँगी, जिसमें कि बादाम के साथ साथ में ये ज़ीरा भी पीस जाएगा और साथ में ये खसखस भी पीस जाएगी। इन तीनों को मैं पीस लेती हूँ पहले। अब ये देखिए सारा पेस्ट है ना, एकदम फाइन पेस्ट बन गया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा ये जो दही डालूंगी, ये एक कप दही है, इसको भी मैं थोड़ा सा ग्राइंडर से इस तरीके से घुमा लूँगी तो क्या होगा कि दही के अंदर के जो लम्स होंगे ना वो भी निकल जाएंगे। ये देखिए अब दही भी डाल दिया था तो इसके वजह से पेस्ट हमारा अच्छा हो गया, एकदम बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं हुआ है, पानी इसमें ज़रा भी नहीं डाला और दही को घुमाया तो फिर अच्छे से पिस गया। अब इसके अंदर मैंने ये जो मिक्सर में मसाला पीसा है ये डाल दूंगी, इसके अंदर ऐड कर दूंगी अच्छे से, इसको निकाल के पूरे तरीके से पोंछ लूंगी स्पैचुला से, बाद में मिक्सर में हल्का सा पानी डाल के और उसका भी पानी निकाल दूंगी मैं। ये बारीक कट किए हुए जो प्याज थे ये इसके अंदर चले जाएंगे, इसमें ये टमाटर भी चले जाएंगे। अब ये जो मसाले होते हैं, इन मसालों में क्या है कि आप लगा दीजिए, लगा के कम से कम 4-5 घंटा तक के आप इसको ऐसे ही रख दीजिए अच्छे से ढक के, और फिर देखिए आप उसका फ्लेवर कितने आएंगे अच्छे। अब ये कड़ी पत्ता मैंने इसके अंदर डाल दिया है, इसके अंदर डालेंगे एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर इसमें जाएगा एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, फिर इसमें जाएगा हल्दी का पाउडर 1 टीस्पून, फिर इसमें जाएंगी ये हरी मिर्ची 4 से 5, सभी कुछ पड़ गया है। और इसमें अब जाएगा मीट, नमक, नमक टेस्ट के हिसाब से। अब इसको मैं मसालों को मिला के और अच्छे से रख दूंगी कम से कम 4-5 घंटे के लिए, बहुत अच्छे से मसाला एकदम गल जाएगा, मतलब अच्छा टेस्ट हो जाएगा, चिकन के अंदर मसाला चला जाएगा और जूसी बन जाएगा। चिल्ली मैंने 4 से 5 डाली है, और अगर और स्पाइसी चाहिए हो तो जब पकती है चिकन तब उसके अंदर और कट करके डाल सकते हैं। और अच्छे से मिलाना है इसको मसालों को। आप इस रेसिपी को जरूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगी, एकदम मजेदार। अभी देखिए सारे मसाले मिल गए,
इनको मैं आप ढाक के अच्छे से रख दूंगी 4-5 घंटे के लिए अच्छे से। अगर आप ओवरनाइट लगा के रखते हो तो ओवरनाइट लगा के रख दीजिए तो और ही अच्छी बनेगी ये चिकन। अभी देखिए मसाले जो लगा के रख दिए थे चिकन में, और ये कम से कम 5 घंटा हो गया इसको मसालों को लग के, और काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट हो जाएगा। अभी इन मसालों को लगा के मैं इसको तड़का मार दूंगी, मतलब पकाने रख दूंगी। और फिर ये कुछ मैंने साबुत मसाले लिए हैं, जैसे कि कुछ 6-7 हरी इलायची हैं, और ये 6-7 लौंगे हैं, और ये 2 दालचीनी का टुकड़ा है, ये कड़ी बीफ है, और इनको मैं और सालन को बघार देती हूँ। अभी जो मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है, 1/2 कप तेल है, इसके अंदर मैं ये दालचीनी के 2 टुकड़े हैं इनको डाल दूँगी। फिर ये कुछ लौंग जो थी वो डाल देंगे, हरी इलायची सब इसके अंदर चली जाएंगी। और मैंने ये 1/2 कप तेल ले लिया है, इसको मैंने खुले हुए बर्तन बना रही हूँ कढ़ाई में, जिसमें हमको इसमें स्टर करने के लिए इजीली हो जाए आसानी से एकदम। फिर इसमें यह करी लीफ डाल दूंगी, चिकन इसके अंदर ऐड कर दूंगी, सारा चिकन मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और जिस इसमें पतीली में मैंने ये डेक्ची में मिलाया था मसाला, तो सब जितना भी पानी है मसाले का थोड़ा सा पानी डाल के इसमें से सब मसाले वापस इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि इसमें मसाले थे और वेस्ट हो जाएंगे। अब इसको क्या करना है कि एक बार स्टर कर देना है इसको, थोड़ा सा गैस को फास्ट रखेंगे और ये थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए अच्छे से चिकन, फिर उसके बाद में गैस को हम स्लो पे कर देंगे। क्यों स्लो पे करेंगे? मीडियम स्लो पे करेंगे क्योंकि हमारे ये मसाले अच्छे से पक जाएं, जो प्याज हैं सब चीज़ है ये गल जाए। गैस एकदम फास्ट है हमारी अभी भी, ग्रेवी है वो गर्म हो गई है अच्छे से, ये फदकने लगी है उसके अंदर से। अब इसको थोड़ा सा मैं स्टोर करूँगी, स्टोर करने के बाद में इसको लीड लगा दूंगी और ये स्लो पे पकता रहेगा। बस गैस मीडियम स्लो पे करके इसे छोड़ देंगे, करीब 20 से 25 मिनट तक के इसको नहीं देखना है, बस ध्यान रखें कि ये जले नहीं नीचे से। 25 से 30 मिनट हो गए और मैंने इसको 1-8 बार स्टर किया था, और ये देखिए काफ़ी अच्छे से जो है इसको उसका जो अंदर का जो मसाला होता है जो सब गल गया है। ऑथेंटिक एकदम रेसिपी है, देखिए कितने अच्छे से एकदम बढ़िया सा मसाला मिक्स हो गया, एकदम बहुत बढ़िया गल गया है। चिकन भी हमारी गल गई है, मसाले भी सारे गल गए हैं और आपस में ही एक दूसरे से मिल गए हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। ग्रेवी एकदम बहुत अच्छी सी थिक सी बन गई है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक चखा है तो मुझे नमक कम लग रहा है, और थोड़ी सी मिर्ची चिल्ली भी कम लग रही है। इसके लिए इसके अंदर मैं कुछ 1-2-3 चिल्ली डाल दूंगी इसके अंदर, ग्रीन हरी मिर्ची, 4 हरी मिर्ची और ऐड कर रही हूँ इसी के अंदर, उसकी चिकन की गर्मी से गल जाएंगी और स्पाइस छोड़ेगी। और थोड़ा नमक कम लग रहा है, स्टार्टिंग में मैंने नमक डाला था 1 चम्मच, लेकिन इसमें अभी भी नमक काफ़ी कम है तो इसके लिए 1 स्पून और डाल लें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और चलिए ये बन गई, रेडी हो गई हमारी रेसिपी। चिकन बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही लजीज बनी है एकदम। चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़ अगली रेसिपी के साथ।